नमस्कार दोस्तों, मैं स्थिति श्रीवास्तव, इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स की टर्फ पर अपने सफर की शुरुआत जीत से की। अपने पहले मैच में उसने न्यूजीलैंड को हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के दूसरे दिन भारत के लिए हॉकी से बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है। हॉकी के ग्रुप मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की है। रविवार को भारत की टक्कर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। न्यूजीलैंड ने हालांकि भारत को इस मुकाबले में बेहद ही कड़ी टक्कर दी। कीवी टीम के रसेल ने खेल में 6 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर न्यूजीलैंड को बढ़त दिलाया था। इसके महज 4 मिनट के बाद पेनल्टी स्ट्रोक से मैच में भारत ने 1-1 की बराबरी की। मुकाबले का पहला गोल न्यूजीलैंड की ओर से हुआ। भारत की ओर से पहला गोल रुपिंदर पाल सिंह ने किया। हरमनप्रीत सिंह ने खेल के दूसरे क्वार्टर में भारत को 2-1 से आगे कर दिया। इसके 7 मिनट के बाद खेल के तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने फिर से गोल मारकर भारत को 3-1 से बढ़त दिला दी। भारत को हालांकि दोनों ही गोल पेनल्टी कॉर्नर से मिले। बता दें, न्यूजीलैंड की टीम ने खेल के 43 मिनट पर 1 गोल वापस किया और खेल के आखिरी क्वार्टर में भारत के ऊपर जबरदस्त दबाव भी बनाया, लेकिन भारत का डिफेंस भी मजबूत रहा। भारत ने मैच 3-2 से जीत लिया। इसी के साथ भारत ने मेंस हॉकी इवेंट्स में जीत के साथ अपने सफर का आगाज किया है। आपको बता दें कि भारत के ग्रुप में जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना भी हैं। भारत को इन टीमों के साथ अगले कुछ दिनों में खेलना है। ओलंपिक हॉकी के इतिहास में भारत 8 गोल्ड मेडल के साथ सबसे सफल देश है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।